हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी आर्मिनल का आंसर की जो है रिलीज हो चुका है, और आपको जो है 18 मई से 21 मई तक का जो है टाइम दिया गया है ऑब्जेक्शन रेज करने का। किसी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट है तो उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड खबर तुरंत मिल जाती है। तो शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं यूपी आर्मिनल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ सिविल और मैकेनिकल ब्रांच का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, टोटल आपको 200 क्वेश्चन एग्जाम में मिले थे, ठीक है। इसमें से 150 क्वेश्चन आपके कोर थे टेक्निकल सब्जेक्ट के, बाकी 50 क्वेश्चन में आपके थे जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग। ये तीनों 50 क्वेश्चन थे और ये 150 क्वेश्चन आपके टेक्निकल थे, ठीक है। टोटल 200 क्वेश्चन थे। और अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन एक मार्क्स का था और जो है नेगेटिव 1/4 था। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको -1/4 जो है डिडक्ट हो जाएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो सबसे पहले मैं सिविल ब्रांच की कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ। सिविल में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना रह सकता है? तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रह सकता है 135 से 140। अगर आप लोग 135 से 40 स्कोर कर रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो आप सेफ जोन में हैं और जो है डीवी की तैयारी करिए। उसके बाद अगर ओबीसी कैटेगरी में आप हैं तो ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ कितना रह सकता है, फिर सेफ स्कोर कितना रख सकता है? तो ये 130 से 135 जो है ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ रह सकता है सिविल ब्रांच का। अब यहाँ पे एससी कैटेगरी का देख लेते हैं कितना कट ऑफ रह सकता है। तो एससी का रह सकता है 125 से लेकिन 130, इसके बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा का कट ऑफ नहीं होने वाला है। यहीं पे एसटी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो एसटी कैटेगरी का 115 से 120 अगर आप ला रहे हैं तो एसटी कैटेगरी में है तो सेफ जोन में हैं, ठीक है। ये कट ऑफ 2-1 नंबर अप डाउन हो सकता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। और ये सिविल ब्रांच का कट ऑफ है। अभी मैकेनिकल ब्रांच का कट ऑफ देख लेते हैं, मैकेनिकल का, ठीक है। तो मैकेनिकल में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रह सकता है ये सिविल से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। 140 से 145 जनरल कैटेगरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है कट ऑफ रह सकता है। यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो ओबीसी का कट ऑफ रह सकता है 135 से 140 ओबीसी कैटेगरी का मैकेनिकल में, ठीक है। यहाँ पे एससी की बात कर लें तो एससी का कट ऑफ रह सकता है 130 से 135 एससी कैटेगरी का, 130 से 135 कट ऑफ रह सकता है। और यहाँ पे एसटी की मैं बात अगर करूँ तो ये 120 से 125 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ। बाकी सब ब्रांच के भी ऐसे ही थोड़ा सा 2-4 नंबर 5 नंबर का अंतर रहेगा। तो ये थी हो गई बात कट ऑफ की। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हो रहा है तो रेज करने का टाइम जो है आपको 18 से 21 मई तक का टाइम है। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है तो ऑब्जेक्शन करने का जो टाइम है, ऑब्जेक्शन करने का 18 मई से 21 मई के बीच में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो है ऑब्जेक्शन आपका स्वीकार्य नहीं होगा। और एक लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उस लिंक के थ्रू ही आप जो है ऑब्जेक्शन रेज करिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।